ये सब क्यों करना है? हाथ चला दे अब पता चला मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से नंदू गोनिया ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका प्यारा सदांग और मेरे साथ जुड़ चुके हैं नंदू। और हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे, देहरादून की एक सीक्रेट जगह पे। तो दोस्तों अभी आपको आज के दिन के खुशनुमा सा दिन है, वहीं ले चलेंगे आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप जानना चाहते हैं वो एक सीक्रेट जगह देहरादून में कहाँ पर, तो देखते रहिए हमारे साथ नंदू गोनिया ब्लॉग्स। तो दोस्तों चलते हैं हम सीधा, फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस। मेन राजपुर रोड से पुलिस के डर से नहीं जाना चाहते हैं वहाँ से, तो आप ये शॉर्टकट रास्ते से भी आ सकते हैं। ये आपका जो पैसिफिक मॉल से नीचे की तरफ आते हुए, नीचे की तरफ इन द सेंस किस तरफ को आता है यार पैसिफिक मॉल से नीचे, जहाँ पे जिस साइड पेट्रोल पंप पड़ता है, मतलब मसूरी से ऑपोजिट वाली साइड पे आते हुए आपको वहाँ से अंदर के लिए जाता है ये रास्ता। आप देखो यहाँ से एक रास्ता मुड़ चुका है, यहाँ मसूरी लिखा हुआ है, यहीं से हमने मसूरी के लिए जाना है। और वहीं उसी रास्ते में हमको मिलने वाला है वो सीक्रेट सी जगह। तो आप दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आप तब तक लीजिए इस मौसम का आनंद। ओ चिचा इंडिकेटर चिचा अब करा बस। हमने गाड़ी पार्किंग, हम जाते हैं गेट को तो अंदर जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपके यहाँ के एक से एक जानवर ससान के जैसे नमूने। चलो फिर वैसे दोस्तों हम आ चुके हैं जू के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुलवाड़ी भी लगी है, सुंदर सुंदर फूल भी खिले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लेते हैं पहले सबसे पहले टिकट कटाते हैं अपना। चलो आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ भाई देखो ससांग बहुत चला गया यार, देखो पैसे लेके नहीं आया भाई, टैंकी में रखे आ गया स्कूटी के। बताओ स्कूटी में रखने वाली कोई चीज है क्या? 3 रुपए से ज्यादा 1 रुपया। आप पढ़ सकते हो भाई, इतना पढ़ने का टाइम तो हमारे पास है नहीं। यहाँ पे बड़ी मेहनत से 300 रुपए कमाए थे बिंजो से, आज आज भाई हो गए यहाँ पे खत्म। पूरे पूरे घूम लेंगे, ठीक तो है, जब आए हैं तो घूम लेंगे, अभी टाइम तो बहुत है। कितने का मिला? टोटल 270 रुपये। 270 का टोटल यहाँ पे नॉर्मल जू घूमने का, और 50 रुपये एक्वेरियम का, हाँ। एक बंदे का, और 10 रुपये रॉक गार्डन यानी 90 हो गए। और पार्किंग का कितना लगा था? 20 रुपये। तो अभी तक हमारे 290 रुपये उड़ चुके हैं पेट्रोल का अलग से। दोस्तों यहाँ पे चेकिंग होगी टिकट लेने के बाद। कहाँ से घूमना है भाई? यहाँ मैप है बने होंगे ना, यहाँ पे बैग रखने के लिए है, लेकिन बैग तो हम स्कूटी पे ही रखे आ गए यार। क्या कहा? तुम 3 साल के बच्चे हो ना, तुम्हारी एंट्री यहाँ पे अभी जाओ वहाँ भाई। तुम ही जाओ पहले हाइट देख के बात किया करो। देखो साक्षी दिखाओ यार कौन लंबा है, पता लग जाएगा कौन है 3 साल का बच्चा। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हाई लंबी से होने से कुछ नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल तो मेरा ही बड़ा है ना, आप भी जान कमेंट में बताएं, आप किसका दिल बड़ा है कमेंट में जरूर बताएं, इसको उत्तर हम जानना चाहेंगे। दोस्तों इस तरफ से हमने सबसे पहले देखनी है चिड़िया, सबसे पहले चिड़िया क्या देखेंगे, एडवेंचर क्या देखना है, फिर हम देखने वाले हैं मगरमच्छ घड़ियाल, उसके बाद हम देखने वाले हैं विषैले सांप। और दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पे मैं आपको वो सांप दिखाऊंगा जिससे मैंने अपना नागिन डांस सीखा था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अभी कैद कर देंगे भाई सांप बना फिर रहा, कैद कर देंगे अभी। फिर हम जाएंगे एक्वेरियम में और लास्ट में देखेंगे लेपर्ड, मुझसे बड़ा चीता कौन हो गया है यहाँ पर। चलो दोस्तों फिर चलते हैं धीरे धीरे, अरे फिर चलते हैं हम बर्ड्स वाले में, तोता बना हुआ है। ओवर एक्टिंग भी कर लीजिए भाई, क्या मस्त आवाज आ रही है चर्पिंग की, उनकी बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज आ रही है। इस वाले में क्या है यहाँ देखते हैं, अच्छा यहाँ बर्ड्स हैं, तोते 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 प्यारे होते, तोते तोता हूँ हरे रंग का तोता, चोंच मेरी लाल है लंबी मेरी चाल है। उसको देखो वहाँ देखो, वाओ शशांक
दोस्तों तो मैं आपको इसकी खासियत बताना चाहूंगा, इसका नाम बजरीगर। ये पूरा इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारे नेमिंग है। ये जो काला काला हो रखा है क्या ऐसा ऑस्ट्रेलिया है वो? तो यार ये तो मैना लग रहा है ना, छूते नहीं ऐसे, क्यों नहीं छू सकते इसे? नहीं छू सकते, कोरोना हो गया। सुशांत भाई इसको इतना बड़ा होने में पता है कितना समय लगा है? यहाँ पे दो मेल हैं और कितने फीमेल, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फीमेल हैं भाई। उनके बैठने के लिए देखो घोंसला टाइप का भी बना रखा ऊपर लग रहा। फिर बताओ जरा, अभी तो शुरुआत है वैसे। अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, लेकिन दुख भी होता है कि ऐसे जानवरों को कैद करके रखा जाता है मनोरंजन के पर्पज से। अब इनको खाना वाना कब देते होंगे? दिन में तो होंगे भाई, रात को देते होंगे भाई। क्यों देते होंगे रात को, क्या पता दिन में भी देते हो। आप एडवेंचर पार्क में भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो अभी बंद हो रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगली बार अगर आप आए तब तक खुल चुका होते, मजे जरूर है। तब तक हम चलते हैं, कैसे उतना बड़ा नहीं लग रहा है मेरे को यहाँ अभी तो। वही कितना है शुरुआत की है कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, है ना? कहाँ लग रहे हैं सुंदर? मोनाल है ये, मोर नहीं है। हम एक आपको विचित्र प्रजाति के बांसों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ जैसे इंग्लिश में बैम्बू, तो इनका इनमें क्या खास है, अलग दूसरे बैम्बू से क्या डिफरेंट होता है? तो आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे नाम लिखे हैं, तो जो भी इसमें नाम लिख के जाता है उनकी विशेष कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। तो दोस्तों मैं आपसे, अगर आप भी आएंगे तो आप इनके ऊपर कुछ मत लिखिएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मी, रूपक, शिवम, एम एन, और ये तो कुछ कंट संट भी लिखा हुआ है, पता नहीं लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। गलत क्या बात मिलता यार है इससे, नाम लिखने से क्या मिलेगा? नाम लिखना है तो जिंदगी में लोगों के दिलों में अपना नाम लिखो, अगर कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो चलो 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 मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, चलो चलो चलो। अगर आपने जिंदगी में शुतुरमुर्ग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देखिए आप जो इनके जो खाना और इनकी देखभाल करते हैं ना, उनके साथ ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। देखो उनको अंकल को कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर हम जाएंगे तो हम इनके लिए अजनबी है तो ये हमें अटैक भी कर सकते हैं। एक ये है और एक यहाँ अंदर पिंजरे में है, ये साइड में खड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है। ये देखिए अंकल अभी उन्हें कुछ खाने को दे रहे हैं। वाओ भयंकर, पत्थर मार रहा है आपने, गलत बात है। दो है ना यहाँ पे, ये जब इंसान से डरते हैं तो अपनी गर्दन छुपा लेते हैं ताकि इन्हें इंसान ना दिखाए। वो हल्ला कर रहे हैं तो ये डर रहे ना, डायनासोर जैसे। हाँ भाई आ जा आ जा आ जा आ जा, वो पिंजरे में है, वो ज्यादा शैतान है। सफेद वाला तो टर्की है, ठीक है, मतलब टर्की मतलब बर्ड का नाम है टर्की है। और वो जो दूसरा इमो है ना, वो पता नहीं कैसे आ गया इस साइड, बोलते तो उसी साइड होना, इमो ही है ना, इमो इमो क्या बोलते हैं वैसे, क्या बोलते हैं इनको? गिद्ध है ये, मगरमच्छ। तो एक तो दिख रहा है यार, वो मगरमच्छ है ना, वो सारे दिख रहे हैं। कहाँ पे हैं? हाँ यार 3, 4, 5 मगरमच्छ अलग होते हैं यार, ये घड़िया की छोटी प्रजाति है दोस्तों। और इन्हें देखो क्या मौज की जिंदगी जी रहे हैं यार, ये पानी में पड़े हुए ऐसे। अब खाना देते होंगे ना, मीट मीट देते होंगे ना यार, चिकन चिकन तो देते होंगे ऐसे ही। सो रहे यार ये तो, हिल डुल भी नहीं रहे यार, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मर तो नहीं गए? पागल हो गए क्या, दुनियादारी में क्या चल रहा है, इन्हें कुछ मतलब नहीं हुआ।
देखो ऐसे ही सो रहे हैं। अब वो देखो ना उसमें महंगा जो काई जैसी भी लग रही थी महंगा, तो उन्हें क्या करना है। आओ ना इस वाले में मगरमच्छ होंगे, आओ बगल वाले। कहते हैं भाई जिसके घर में ये रहता है तो वो बहुत अमीर होता है। हमें हमारे हमने गांव में पाला था, इलीगल होता है, हमें उसमें मिला था, तालाब में मिला था, हमने पाल लिया। हाँ। यार पता नहीं मर गया यार वो यार, इनमें बहुत एक से एक हमने गिद्ध दिखाए। उसके बाद हम जाते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या मिलता है हमें। और वहाँ पे एक से एक कुछ भी थे यार, बहुत ही शानदार और मगरमच्छ तो दिखाई दिए हमने आपको। अब चलते हैं आगे की ओर, क्या क्या मिलता है आगे। हम दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि यहाँ की जू में ज़्यादा बर्ड्स हैं, लेकिन कुछ ही प्रजाति के दिखाई दिए यार हमको यहाँ पे। नैनीताल में काफ़ी है भाई। नंदन तुमसे बड़ा सांप दिखाता हूँ और वो सांप भी दिखाऊंगा। मैंने तुमसे बड़ा मगरमच्छ दिखा दिया, ये क्या है? स्नेक हाउस। चलो देखते हैं अंदर जाकर के क्या है। शशांक भाई वाओ, सांप भाई यार इतनी नजदीक से कभी नहीं देखा मैंने। वैसे गांव में देखा था भाई, जब गांव में हम। अब असली है भाई वो। अब बोलो वहाँ नहीं सुना इधर भाई, शीशा लगा हुआ, आवाज नहीं जाती होगी अंदर। वो भी भयंकर अजगर है भाई, अजगर भाई सही लग रहा है अजगर। वो वहाँ दिखाओ ना, उसे जूम करो। अरे शशांक भाई तुमसे बड़ा अजगर थोड़ा है वो। अब चमक रहा है यार धूप में, पता है भाई सब उनको। भाई जब ये भागते ना इतना तेज भागते, यो 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 यो, मजा आ गया। अगर शीशा नहीं होता शशांक भाई क्या करते थे? भी निकालते यार शायद अंदर। अरे भैया डेल इनका जहर निकाल दे। नंदन भाई तुम नागिन तो नहीं हो उसकी? चलो आगे चलते हैं यार। तो दोस्तों वैसे हमने फोटो में तो काफी सारे देखा थे, लेकिन हमको नाम पता नहीं था। आज हमको सबके नाम भी पता लगे। देख रहे हैं सांपों को और आपको भी दिखा रहे हैं यार। ज्यादा तो इस वाले को दिखाई नहीं दे रहा है शशांक भाई, आगे की ओर चल रहे हैं। इंडियन कोपरा देखते हैं, एक तो उधर है। धूप में चमक रहा है यार। इंडियन कोपरा कॉमन के आगे तो वो छुपा है, छुपा हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं है यार, दिखाई नहीं दे रहा यार। डिब्बे के अंदर छुपा हुआ है यार, मजा नहीं आ रहा उतना ज्यादा खास ना। एक तो बंदी बना के रखा है और छुपा कर भी रखा है यार। ये दिख रहा सही भाई। आपको दिखा दी, अब चलते हैं इधर की ओर, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसको पढ़ करके आप जान सकते हैं कि अगर कभी कभार अगर सांप गलती से अगर काट देता, वैसे सांप काटता नहीं है, जब सांप को खतरा लगता है कि खुद, हाँ मतलब दूसरे बंदे से उसको खतरा लगता है तभी जा करके वो डंक मारता, वरना मतलब सांप ऐसे काटते नहीं है यार। तो इसको पढ़ लेना, अगर कभी आपको सांप अगर कभी गलती से भी काट ले तो आप ऐसा कर सकते हैं और बच सकते हैं। वैसे मैं शशांक भाई तुमको बताऊं, पहाड़ में क्या करते हैं, जैसे मान लिया सांप काट लेता है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जहाँ यहाँ पे काटा तो यहाँ पे टाइट करके रस्सी से बांध देते हैं। चिंता मत करो नंदन भाई, तुम मुझे कभी नहीं। दोस्तों अब हम सपेरा बस्ती से बाहर निकल रहे हैं, अब देखते हैं अब आगे कहाँ जाते हैं। अब लेफ्ट 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 फिश वाले में, चलो देखते हैं कहाँ की ओर जाते हैं।
पे पीने का पानी, अगर आपको जू के अंदर प्यास लग जाती है तो यहाँ पे आकर के पानी पी सकते हैं, आराम से अपनी प्यास बुझा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। डस्टबिन रखा हुआ है, दोस्तों इस प्रजाति का मैंने नया नाम रख दिया, इसका जुमू बोलते हैं ना, जुमू पहाड़ में होता है ना वो, जिसके तिल नहीं होते हैं सफेद सफेद वाले, वो लड्डू बनते हैं उसके पौधे ऐसे होते हैं, मुझे लग रहा वही है लेकिन वो है नहीं, कुछ और है। अब चलते हैं आगे। तो ये है यहाँ पे एक प्लांटेशन का कैक्टस एंड और सक्यूलेंट गार्डन। क्या बोला तूने? सॉरी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, सक्यूलेंट गार्डन, रॉक गार्डन जिसे हम बोलते हैं। चलो यहाँ से अंदर हम देखते हैं, जर्नी पे चलते हैं, तब आपको अलग अलग तरीके के कैक्टस दिखाएंगे यहाँ पे। दोस्तों ये है कैक्टस की तरह तरह की प्रजातियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के कैक्टस यहाँ पर लगे हुए हैं। कैक्टस ही कहेगा, और रंग बिरंगे कैक्टस भी हैं यहाँ पे। कैक्टस वैसे तो मरुस्थलीय है यानी डेजर्ट लोकेशन में, जहाँ पे पानी की कमी होती है, क्योंकि इस पौधे में इतनी क्षमता होती है कि ये पानी को अपने अंदर काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर लेता है स्टोर करके ना, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे जू में भी हमारी जानकारी के लिए इन्होंने बोए हुए हैं, सुंदर सुंदर भी होते हैं यार कैक्टस। मैं तो समझता था सिर्फ कांटेदार, ये देखिए दिल की शेप का एक कैक्टस थोड़ा सा लग रहा है दिल जैसा, काफ़ी सारे कैक्टस लगे हुए हैं। कैक्टस ही कैक्टस की प्रजातियां हैं सारी तरफ देख सकते हैं आप, इधर भी कैक्टस ही कैक्टस हैं, और ये काफ़ी सुंदर से रास्ते बनाए हुए हैं। ओह काफ़ी अच्छा सजाया हुआ भी है यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हो 500 रुपए जरमाना, मुझे पता है नहीं छू रहे ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये भी मना है। चला यहाँ से ऊपर जाने का।